उनके पाकिस्तान के उभरते हुए यूट्यूबर जनाब ओवैस आदम साहब को आपको दावत दूंगा कि वो भी आए और नन्हे मुन्ने बच्चों से वतन अजीज के बारे में कुछ इजहारे ख्याल पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। आज लोग सारे माशाल्लाह आप लोग देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। आप लोग मैं भी छोटा हुआ करता था और ऐसी चौधरी सुनाया था और उस वक्त जो जज्बा हमने देखा अपने अंदर और ये आपको देख के आज मुझे अपना बचपन याद आ गया। आज मैं इतनी लंबी बात नहीं कर रहा और मैं बहुत पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार साहब का और ये हम आपके हम जो ये हर साल ये प्रोग्राम मुनक्कद करते हैं बच्चों में इनाम तकसीम करते हैं और चौधरी को इसका प्रमोड़क बनाते हैं। मैं आज आपको बता टाइम नहीं लूँगा, मुझे एक बात ये कहूँगा कि ये जो आपकी जो उम्र है बच्चों से कहूँगा मैं ये बहुत अच्छी उम्र, इसको इंजॉय करो, तालीम पे फोकस करो क्योंकि आप लोग भी इस मुल्क का फ्यूचर हो। मुल्क में जो भी हालात है अच्छे बुरे इसमें हम बात नहीं करेंगे लेकिन ये एक होप आप लोगों को देख के हमें समझ में आती है, उम्मीद नजर आती है कि आप लोग हैं कोई पाकिस्तान है, हमारा मुस्तकबिल रोशन है और इस रोशन मुस्तकबिल को आप लोगों ने अपनी मेहनत से उस्ताद की मेहनत से इसको रौनक और उम्मीद की तरह किरण इस रोशन करेंगे। और मैं आप लोगों से आखिर में यही कहूँगा कि जो कुछ भी आप लोग काम करें बच्चों के पास दिल लगा करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पुलिस भी बने, यूट्यूबर बने, कुछ भी बने, काम अपना मुखलिसी से और नेक नीयत से करें और अपने लिए एक काम ऐसा हो कि अपने मुल्क के लिए हो, अपनी जात से नजर हो और मुल्क के लिए हो जैसे हम आप यूज कर रही है। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अवेज़ आज़म। नाज़रीन, आज 14 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। आपको कुछ झलक मैंने दिखाए बच्चों के। हमारी दो ईदें होती हैं, ईदुल अज़हा और ईदुल फितर। तीसरी ईद भी हमारी तरह से 14 अगस्त ही है। हालात बहुत ख़राब हैं, उसमें हम डिबेट नहीं करेंगे लेकिन आज हम अच्छी बातें करेंगे ताकि जो ये मुस्तकबिल हमारे बच्चे हैं ये हमारा मुस्तकबिल हैं और ये हमारी नई उम्मीद हैं। मेरे साथ मौजूद है इस्माइल बिन यूसुफ साहब, हैं साइकोलॉजिस्ट भी हैं और साइकोलॉजी पढ़ाते भी हैं और एक प्राइवेट कंपनी में एचआर मैनेजर भी हैं। इनसे पूछेंगे कि ये इस फंक्शन को किस तरह देखते हैं और इस तरह के फंक्शंस होने से आने वाली नस्लों पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, उनकी तासुरा जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जहाँ तक आपका बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो इंटरव्यू लेने का, ये सादत बख्शने का। सेकेंडली जो इस तरह के जो इवेंट है ना जो आप बात कर रहे हैं कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए तो इसके लिए पीछे एक मकसद ज़रूर क्लियर होना चाहिए कि ये हम किस मकसद के तहत ऐसे इवेंट कराते हैं कि खाली जश्न आज़ादी जश्न के तौर पर एक टाइम या एक वक्त गुजार लेना और वो जश्न का समा ख़त्म हो जाना, उसकी अफादियत जो उसका मकसद था
वो फौत हो जाना अगले ही रोज़, यानी कि 14 अगस्त के बाद जो 15 अगस्त को वापस अपने कामों में लग जाना, इस मकसद के तहत हमने पाकिस्तान हासिल नहीं किया था। हमारा एक या मोहम्मद अली जिन्ना, कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना का एक मकसद था इस मुल्क को हासिल करना, यानी कि जो कि मुसलमान अपनी इबादतें उतना फ्रीडम से नहीं करते थे। हर किसी को फ्रीडम चाहिए होता है, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ, हर किसी को आज़ादी चाहिए। तो जश्न आज़ादी का मतलब ये है कि हम अपनी जितनी रसूमात हैं, दीन के हवाले से हो या इस्लामियात या माशरती हवाले से हो, जो भी है, हम वो खुल के कर सकें। झूठ नहीं बोलना, किसी का हक नहीं मारना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिस मकसद के तहत हमने पाकिस्तान बनाया था। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह एक नारा है, जो एक कलमा है, पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन इसका खुलासा यही है कि हमने सिर्फ ये एक दिन के लिए नहीं मनानी, ये पूरा वक्त हमने अच्छे से अपने दीन के मुताबिक पाकिस्तान को लेके चलना है। तब आपसे माशाल्लाह, आप तो टीचर भी हैं और आपने शुरू ही में नसीहत भी कर दी, और मैं सबसे पूछते आ रहा हूँ, जश्न आज़ादी हमने भी मनाई बचपन में, और आज बच्चों को देख के मुझे अपने अपना टाइम याद आ गया कि हम किस तरह से हमने टाइम गुजारा। एक हमारा जोश था, एक जज्बा था। मैं दिख रहा हूँ, शायद आप भी दिख रहे हैं, मेरी एक ऑब्जर्वेशन एक जारी कि आहिस्ता आहिस्ता वो जज्बा कम होता जा रहा है। तो ये हमारा ड्रॉबैक हमारा है कि हम तरबियत नहीं दे पाए सही से पाकिस्तान क्यों के बारे में बता नहीं पाए बच्चों को, या ये माहौल का असर है, किस तरह का? देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया, जब मकसद फौत हो जाएगा, मकसद पता नहीं होगा, यानी पहली लेयर तो आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी, दूसरी लेयर ख़राब, फिर तीसरी, ये जितनी लेयर्स हैं ना, इनको कायम रखने के लिए वो मकसद को फौत जब आप कर देंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें, आपके पास शायद क्लैरिटी नहीं थी, पेरेंट के पास क्लैरिटी नहीं थी, असातज़ा के पास क्लैरिटी नहीं थी कि ये मकसद क्या है इस चीज़ का। मतलब जिस तरीके से दूसरे लोग एक खुशी मनाते हैं और बाजे बजाना, झंडे घुमाना, तालियां बजाना, गाने गाना, ये मकसद, ये खुशी का तो मकसद हो सकता है, खुश होने के लिए एक एलिमेंट तो हो सकता है, लेकिन इसके पीछे हम ये कर क्यों रहे हैं वो अगर हमें नहीं मालूम है तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कमी तो आएगी। अभी आप आज की बात कर रहे हैं, आने वाले 10 साल के अंदर ये और कमी महसूस होगी आपको। मकसद फौत हो जाएगा, किसी चीज़ का पर्पस आपके पास है नहीं, कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही, तो फिर मंजिल आपसे दूरी हो जाती है। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं हम आप वेलफेयर के बानी भी कह सकते हैं, उनके मौजूद भी कह सकते हैं, और अभी जो चला रहे हैं इस इदारे को, मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक। ये PIA में इमाम भी हैं, खतीब भी हैं, और माशाल्लाह अपना ये वेलफेयर का भी सिलसिला जो है ये चला रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह इस इवेंट को देखते हैं, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और जिस तरह आप, जिस तरह एक लिमिटेड हदूद में इसको इतने अच्छे अंदाज से करते हैं, ये बाई से फ़ख्र है हम सबके लिए, एक मोटिवेशन भी है कि हम नौजवान करें। तो अभी मैंने देखा कि सब बच्चों को आपने केक भी बांटे, बैजेस भी दिए, झंडे भी दिए, इसके पीछे क्या मकसद है? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर अता फरमाए। और जहाँ तक ये इवेंट है, ये और इस तरह के जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं, इसका मेन मकसद ये है कि जैसे अभी 14 अगस्त का दिन है, अगर हम तारीख पढ़ते हैं तो हमारे बड़ों ने जब क़ुरबानियाँ दी और जब यह मुल्क आज़ाद किया जा रहा था, उस वक़्त लोगों का क्या जज्बा था, अपनी जायदादें छोड़ रहे थे, अपने घर छोड़ रहे थे, कारोबार छोड़ रहे थे इस मुल्क के लिए। और आज आप देखें कि लोग ये मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, जिसके पास असबाब है, जो जितनी अच्छी तालीम हासिल कर रहा है, आप उससे पूछो कि तालीम हासिल करने के बाद आप क्या करेंगे, उसका जवाब एक ही मिलता है कि मैं फलां मुल्क में जाके सेटल हो जाऊंगा, फलां मुल्क में चला जाऊंगा। और जिनके पास असबाब नहीं है, आप उनको देखें,
वो भी जाने देकर ये मुल्क छोड़ रहे हैं सर। अभी आपने हाल ही में देखा हो गया वाकया कि 300-300 लोग 400-400 लोग समंदरी रास्ते में मुल्क छोड़ते हुए हलाक हो गए, चले गए, शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या मैंने और आपने कभी ये सोचा कि जब ये मुल्क बंद रहा था उस वक्त लोग कुर्बानियां दे रहे थे इस मुल्क के लिए, सबको छोड़कर यहाँ आ रहे थे, और अब लोग ये मुल्क छोड़ रहे हैं, ये क्या वजह है? वो जज्बा, मुल्क से वो मोहब्बत, वो नजरिया, उसमें वो मान पड़ गया। हम ये चाहते हैं इन छोटे से बच्चों का, आपने देखा नन्हे मुन्ने बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, हम अभी से इनकी जहन साजी करना चाहते हैं, हम इनके दिलों में इस्लाम की, मुल्क की मोहब्बत डालना चाहते हैं। नाज़रीन, बहुत अच्छी बात इमाम साहब ने की है। मकसद हमारा जो है वही मकसद जब नहीं रहेगा कि हम ये क्यों इवेंट मना रहे हैं और हमने आगे करना क्या है, तो फिर ये इवेंट एक तफरी का सामान होकर रह जाएगा 14 अगस्त, जैसे हम बाकी इवेंट बनाते हैं, मकसद फौत हो जाएगा। आखिर में आपसे मैं कहूँगा कि इमाम साहब के कोई ऐसी बात कर जाए कि सुनने वाले जो आपको पूरा पाकिस्तान माशाल्लाह देख रहा है। आखिरी नौबत यहाँ तक क्यों आ गई कि लोग इस मुल्क को छोड़ना चाह रहे हैं, ये मायूसी हमारी नौजवानों में क्यों आई है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इस मुल्क के साथ लाजमी चीज थी, हमारे बड़े क्या कह रहे थे, लोग उस वक्त क्यों कुर्बानियां दे रहे थे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम और ईमान, ये पाकिस्तान के साथ लाजिम मलजूम है। और जब इस्लाम और ईमान की कदर व मंजिलत हमारे बच्चों के, नौजवानों के दिलों में आ जाएगी तो मुल्क की इज्जत और एहतराम खुद ब खुद आ जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे वालिदैन, हमारे बड़े, हमारे सरपरस्त अपने बच्चों की जहन साजी करें। दूसरा नहीं है जितना आप समझ रहे हो, इसके लिए लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी है, हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने, जब जाकर हमें यह मुल्क नसीब हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हम आप यूथ की पूरी टीम का कि जिन्होंने मेरे साथ तआवुन किया, माली तौर पर भी और वक्त के एतबार से भी। ज़ाहिर सी बात है इस मसरूफ़ दौर में वक्त होना किसी के पास बहुत मुश्किल है, और फिर अपना वक्त किसी को दे देना ये तो फिर आला ज़र्फ़ी की मिसाल होती है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन तमाम नौजवानों का जिन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट भी किया और मेरा साथ भी दिया, और फिर इस तकरीब को कामयाब कराने के लिए वो शुरू से आखिर तक मेरे साथ रहे। इसमें जो ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा नाम, वो उमेर भाई का नाम ज़िक्र करूँगा। वो उम्र के लिहाज से बेशक बहुत छोटे हैं, उम्र उनकी बहुत कम है, मगर जो अल्लाह ने उनको सब्र दिए और काम वाला जो जज्बा उनके हैं, ये मेरी दुआ है कि आखिर दम तक यही जज्बा अल्लाह ताला उनके दिल में रखें और इसी तरह वो आगे जाकर कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने इलाके के लोगों के लिए इसी तरह खिदमत सर अंजाम देते रहें। नाज़रीन, ये जो अभी दानिश साहब ने उमेर साहब का नाम लिया था, वो साहब नहीं, वो ये बच्चा है माशाल्लाह, और काफ़ी सरगर्म कारकुन भी कह सकते हैं इसको आप, और एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, ये हम आपका है। और माशाल्लाह इस उम्र में ये नौजवानों के लिए काफ़ी मोटिवेटेड होगा कि काफ़ी इसने काम किया, और अपने वीडियो से भी दिखा होगा कि बढ़ चढ़ के झंडे लगा रहा था। तो हाँ यार, क्या कहना चाहोगे अपने? अस्सलामुअलैकुम भाई। जब मैं न्यू आया था इस इलाके में तो मैं किसी को नहीं जानता था, तो मैंने हम आप यूथ का साथ ज्वाइन किया, तो माशाल्लाह मेरे को बहुत खुशी हुई यूथ में आके। शुरू में मेरे को थोड़ी सी मुश्किलात सामने आई कि किस तरह करूँगा या आगे नहीं जाऊँगा, लेकिन शुक्र है मेरे मुफ्ती साहब का और दानिश भाई का कि उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि रुको होगा। आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ये एनर्जी कहाँ से लाता है? ये एनर्जी मेरे अंदर है, इस चीज़ का मेरे अंदर जज्बा है, चाहे वो कोई भी वर्क हो, चाहे सोशल वर्क हो, और सैलाब जदगान के अंदर भी मैं था और 14 अगस्त का फंक्शन भी था, तो इस तरह के कामों में मेरे को खुशी होती है ताकि मैं किसी के लिए मदद कर सकूं या किसी के काम आ सकूं, और ये काम करना मेरे दिली तौर पर मुझे अच्छा लगता है। आगे जाके वज़ीर आज़म बनोगे? वज़ीर आज़म नहीं, लेकिन अपने इलाके के लिए इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे। क्यों नहीं, अगर आप लोग जैसे लोग आएंगे तो यार ये इंशाल्लाह। शुरू में क्या सोचते हो? इंशाल्लाह हर नाज़रीन, हर बंदा ये कहता है कि मैं पायलट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, यूट्यूबर बनूंगा, लेकिन ये कोई नहीं कहता मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। आज आप कह रहे हो
वजीर आजम नहीं बनेंगे लेकिन इलाके के लिए कुछ करेंगे, जो यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो नहीं रह पाते उनके लिए कुछ करना चाहेंगे। यही जज्बा है, ये हम नौजवानों के लिए एक सबक है कि हमसे छोटी उम्र के ये हैं माशाल्लाह। किस क्लास में? नाइन्थ क्लास में अभी मैट्रिक भी नहीं किया और जज्बा इनका माशाल्लाह पुरजोर है। अल्लाह आपको हिम्मत दे, ताकत दे और मोटिवेट रखे। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया।